नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। संस्था के द्वारा आपके पीआरटी को लेकर के केबीएस में जो 2022 की वैकेंसी है, जिसमें 6414 पद आपके पीआरटी को लेकर के आए हैं। संस्थान के द्वारा निशुल्क आपका संपूर्ण बैच चलाने के लिए आपसे उसी दिन बता दिया गया है। 6414 पदों पर आपको कहीं भी किसी कोचिंग में एडमिशन के लिए नहीं भटकना है। संपूर्ण चीजें संस्था के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही साथ आपकी क्लासेस जो होंगी लाइव क्लासेस आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। और 8 दिसंबर से आपके जो है केबीएस पीआरटी का बैच संस्था के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा, जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ आपसे मुलाकात करेंगे और कौन क्या किस विषय को पढ़ाएगा वह अपने विषय में परिचय देगा। जितने भी संस्था में आपको शिक्षक मिलेंगे, सारे के सारे शिक्षक अपने विषय में काफी दिनों से कार्य कर रहे हैं। आज मैं आपसे हिंदी विषय में क्या बदलाव हुए हैं 2022-2018 में, इन दोनों परिवर्तन पर एक विस्तृत चर्चा करूंगा। साथ ही साथ हिंदी के लिए अब रणनीति में क्या कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इन सारे मुद्दों पर आपसे बात करूंगा। अभी 2018 के पाठ्यक्रम की मैं बात करूं, आप सभी यहां पर लिखा देख रहे हैं कि हिंदी का जो पाठ्यक्रम है इस बार का और 2018 का पाठ्यक्रम, दोनों में क्या परिवर्तन आया, पहले इस बात को समझेंगे। परिवर्तन के अनुसार हमें हमेशा रणनीति बनानी होती है, इस चीज को भी हम देखेंगे। 18-22 पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, कौन से बिंदुओं को, कौन से अध्याय को इसमें शामिल किया गया, उसमें आपका जो है छोड़ा गया, और तैयारी की आपकी सटीकता क्या होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जो इस बार का आपका पीआरटी का सिलेबस आया है, ठीक है, वो आपके केबीएस के द्वारा जो जारी किया गया, इसमें आप लोगों ने देखा 180 प्रश्न एक तो किए गए और 180 जो प्रश्न आपके थे, अभी तक 150 प्रश्न पूछे जाते थे। इस 180 प्रश्न में हिंदी का जो आपका संभाग है पार्ट वन के अंतर्गत, पार्ट इस बार पेपर पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इससे पहले 2 पार्ट में डिवाइड रहता था और वहां से आप देखते थे, इस बार 4 पार्ट में डिवाइड है। इसमें पार्ट वन में आपके 10 क्वेश्चन अंग्रेजी और 10 क्वेश्चन हिंदी आते हैं। पार्ट वन के अंतर्गत जो आपका पाठ्यक्रम दिया है हिंदी में, जिससे आपके 10 सवाल होने हैं, 10 अंक आएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, पठन कौशल आपसे यानी गद्यांश पर आधारित आपके सवाल होंगे। अब बात यह आती है कि गद्यांश पर आधारित सवाल कैसे होंगे, जैसे पिछली बार भी लिखा था लेकिन किस हिसाब से पूछा गया था, अभी मैं आपको 2018 का भी पेपर दिखाऊंगा पार्ट वन में कैसे सवाल। और इस बार जैसे सीटेट का जब आप पेपर देते हैं तो सीटेट में क्या होता है, एक गद्यांश दिया गया, उसी से शब्दबद्ध आपका विलोम पूछा गया, उसी में दिया गया वाक्य का आपको पर्यायवाची पूछा गया शब्द का, उसी में दिए गए किसी शब्द की संधि पूछ ली गई, ठीक है, समास पूछ लिया गया। अब आपका जो गद्यांश होगा वो गद्यांश इस हिसाब से बनेगा। अब जो गद्यांश आपसे पूछा जाएगा वो सीटेट के अनुसार बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम इस बार सीटेट के अनुरूप कर दिया गया है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो शब्द सामर्थ्य भी पूछा जाएगा, शब्द सामर्थ्य का आशय हो गया वर्ड पावर, विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब आपके वर्ड पावर के अंतर्गत हो जाएंगे। तो शब्द सामर्थ्य से सवाल, और तीसरा दिया है व्याकरण एवं प्रयुक्ति। तो हिंदी में व्याकरण आप सारे लोग जानते हैं कि व्याकरण के अंतर्गत आपकी जो प्रमुख प्रमुख चीजें पढ़नी होती हैं, वर्ण, वर्णमाला, ठीक है, संधि, समास, और साथ ही साथ आपका फिर जब हम शब्द की ओर बढ़ते हैं तो शब्दों में भी शब्द भंडार तो अलग से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तत्सम, तद्भव, आपका विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, समानार्थी, लोकोक्ति, मुहावरा, ठीक है, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ ही साथ आपके अन्य जितने भी बिंदु आएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसमें मैं भी आपसे मुलाकात करूंगा और अरुण शुक्ला सर भी आपसे इसमें मुलाकात करेंगे। दो लोग आपको हिंदी के लिए मिलेंगे। निशुल्क बैच आपका है 8 दिसंबर से प्रारंभ है। चूंकि 20 अंक 180 प्रश्न के आपके 180 अंक की परीक्षा में बहुत मायने रखते हैं। साधारणतया अगर हम इस बात को समझें, यहां से अगर कोई भी प्रश्न आपका गलत हो रहा तो आप यकीन मानिए कि आप स्वयं को कहीं ना कहीं इस प्रतियोगिता में पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो हमारे लिए जो सबसे सटीक रणनीति होनी चाहिए, हमें उन बिंदुओं पर ज्यादा फोकस होना चाहिए जहां आम विद्यार्थी जिन प्रश्नों को बहुत सहजता के साथ सही कर देता है। और जब हमसे गलतियां इस हिसाब से होती हैं कि हम सहज प्रश्नों को भी गलत कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज के इस गलाकार प्रतियोगिता में हम स्वयं को पीछे छोड़ते चले जाते हैं। रही बात
जो आपका दूसरा संभाग है, दूसरे संभाग में आपका जैसे जो उसकी बात करें कि आपका इस बार का जो पाठ्यक्रम दिया है वो पाठ्यक्रम आपका जो पार्ट टू पूछा जाता था पहले, पार्ट टू में जो आपके प्रश्न आते थे उसके अंतर्गत किस हिसाब से बनता था। तो इस बार व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, संज्ञा विशेषण वचन की पहचान और उनका व्यवहारिक प्रयोग कैसे होगा। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं आपको इस बार यह भी पढ़ना है, आपको संयुक्त अक्षरों की पहचान, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, इन सबके बारे में, ठीक है, पर्याय और विलोम, अस्तरानुकूल जिस अस्तर के हैं, सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग कैसे होता है, मतलब विशेष्य और विशेषण वाक्य में जैसे प्रयुक्त होते, वचन, वचन का प्रयोग, क्रिया काल और कारक चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, ये आपसे इस बार का 2022 का पाठ्यक्रम केबीएस के द्वारा जारी किया गया है। केबीएस ने 2022 का जो पाठ्यक्रम दिया है वो पाठ्यक्रम हिंदी के अंतर्गत इस भांति से आपसे पूछा जाएगा, पार्ट टू वाला जो बनता है। अब इसमें जैसे बात करें, इससे पहले 2018 वाला जो आपका होता था, 2018 में आप देखिए किस भांति से आपका जो है पूछा जाता था। इसमें व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आपका भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, एकवचन, बहुवचन, वाक्य रचना, विलोम या विपरार्थक, समरूपी, भिन्नार्थक, मुहावरे, अलंकार, अलंकार भी था, विराम चिन्ह था, पद परिचय था, संधि था, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव शब्द, समास, लोकोक्तियां, मुहावरे, आपठित गद्यांश, भाषा शिक्षण की प्रभावी विधियां। यह पाठ्यक्रम 2018 का हुआ करता था, लेकिन इस बार के पाठ्यक्रम में आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब इसी में थोड़ी सी आप चीज देखिए, यह आपका 2018 का जो पेपर हुआ था, 2018 के पेपर के अंतर्गत जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। 2018 में जैसे पार्ट वन के अंतर्गत, ठीक है, 10 सवाल पूछे जाते थे, इस बार भी 10 ही आएंगे। तो इसमें आपसे सही वर्तनी वाले शब्द पूछा था, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, जल्दी चलो में जल्दी शब्द को रेखांकित किया था और पूछा था इसमें विशेषण कैसा है, जल्दी शब्द में विशेषण क्या है, ऐसे दिया था इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, ठीक है, चार विकल्प थे जिनमें से पर्वत के पर्यायवाची से सवाल पूछा था, सुख शयन में समास, तो एक शब्द आपका प्रश्न समास से बना था, मुहावरे से भी एक पूछा था, छाती पर सांप लूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा, और साथ ही साथ इसमें बात करें तो आपसे जो है परिक्रमा में उपसर्ग भी पूछा था, ठीक है, एक प्रश्न उपसर्ग से था, अशुद्ध वाक्य भी आपसे पूछा था कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, और आपका रेखांकित में कारक भी पूछा था कि कारक इनमें से आपको पहचानना है कौन सा है, लिंग से भी एक सवाल था और एक सवाल आपका बहुवचन से पार्ट वन में 2018 में पूछा गया था। अब 2018 में जो सब्जेक्ट आपका जो है कंसर्न था संबंधित विषय में जो 10 सवाल आपके पूछे गए थे, उस 10 सवाल में जब मैं बात करूं तो इसमें रचना के हिसाब से वाक्य भेद पूछा गया था आपसे, ठीक है, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा परिवार के संबंध में विकल्प एक दिया था, कौन कौन से आपके प्रमुख भाषा परिवार हैं, मंदिर में पीतांबर, तो पीतांबर शब्द में आपका समास पूछा था, ठीक है, एक आपका रिक्त स्थान पूर्ति के लिए आपका सवाल दिया था, ठीक है, और व्याकरणिक कोटि में आपका जो है कुछ शब्द दिए गए थे, चार शब्द दिए गए थे और उनमें व्याकरणिक कोटियां आपको पहचाननी थी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे तो एक आपका जो दिया था वह आपका तत्सम शब्द से सवाल पूछा था और उपसर्ग और प्रत्यय से आपका एक प्रश्न पूछा था, एक शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों पूछा था, एक में आपका बहुवचन पूछा गया था और एक सवाल आपका लिंग से था, ठीक है, और इसी में एक रचना से भी सवाल आपका पूछ लिया गया था। लेकिन इस बार का जो पाठ्यक्रम है, इस बार के पाठ्यक्रम में आपका जो 2022 वाला पाठ्यक्रम है, 22 वाले पाठ्यक्रम में आप देख रहे हो कि इसमें वाक्य संबंधित जो है कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, ना तो आपके जो है इस बार जैसा पाठ्यक्रम दिया है तो पाठ्यक्रम से ही स्पष्ट हो रहा कि सारी चीजें इस बार कहीं ना कहीं सीटेट के अनुकूल आपको देखने को मिलेंगी। इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि इस बार संस्था के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, केबीएस को लेकर के आपका पीआरटी का निःशुल्क बैच संस्था के द्वारा चल रहा है और इसमें जो कुछ पढ़ाया जाएगा संपूर्ण तैयारी है, ना तो बीच में छोड़ना है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट मिले कि सर बीच में तो नहीं छोड़ना, देखो हाथ पकड़े हैं तो इस भवसागर से पार ले जाएंगे, ठीक है।
हमें भी अपनी गरिमा के बारे में, हमें भी अपनी छवि के बारे में अच्छे से मालूम है, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे हैं जिसमें आपको अधर में छोड़ दिया जाए। हम अगर हाथ पकड़े हैं तो हाथ में आपको भवसागर पार करा के ही मानेंगे। हर एक विषय के लिए विशेषज्ञ शिक्षक आपके समक्ष होंगे जिनका अपना व्यक्तिगत अनुभव इस क्षेत्र में काफी अच्छा रहा है, वो सारे शिक्षक आपसे मुलाकात करेंगे। और यह बैच पूरी तरीके से आपका केवीएस पीआरटी 2022 का निःशुल्क है। जेसीए का बैच चल रहा है, ठीक है, वह बैच आपका पेड रखा गया है। अन्य भी बैच हैं जो आप संस्था के नंबर नीचे चल रहे होंगे, दो नंबर हैं। कोई भी आपकी अभी भी समस्या होती है तो आप क्वेरी अपनी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। संस्था के दो नंबर हैं, एक नंबर आपका 9129 है, ठीक है, 697080, और दूसरा नंबर है 9450006007। इन दोनों नंबर पर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उससे रिलेटेड आप हमसे बात कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ परीक्षा प्लस का टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या चैनल के अबाउट में जाओगे वहां भी लिंक दी है, उससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स वगैरह आपको वहीं पर हम लोग उपलब्ध करा दिया करेंगे। अन्य इस विषय में, इस बाबत कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक बार जुड़िए संस्था के साथ, आपका विश्वास, जिस विश्वास के साथ आप जुड़ोगे उससे दमदार ही यह टीम निकलेगी, उससे अच्छी मार्गदर्शक की भूमिका में हम सभी आपके साथ खड़े होंगे और आपको एक सटीक रणनीति के तहत इस जो आपकी वैकेंसी है, इस महासमर में आपको हम जो है इस दरिया को पार करा के किनारे लगाएंगे जहां आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, और आपकी ही सफलता हमारी सफलता होगी, और इस बात से हम अभी भी से अभिभूत रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, अनंत शुभकामनाएं, और आगे पुनः आपके किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।